हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग पार्ट थ्री करेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, हमारा जो चैप्टर है उसका। एंड ये मॉड्यूल बी का यूनिट 7 है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके and everything is accessible to you। चलिए सो देखिए, लास्ट क्लास में अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्यों उसकी जरूरत है और क्या क्या उसके यूजेस हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विटी के बारे में सब कुछ पढ़ा था कि जो इक्विटी कैपिटल है वो किस तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, राइट। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द प्रेफरेंस कैपिटल। सो प्रेफरेंस कैपिटल इज अ अनदर टाइप ऑफ कैपिटल, और यू कैन से अदर अनदर टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां से कंपनी पैसा अरेंज कर सकती है और अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकती है, राइट। चलिए सो देखिए, प्रेफरेंस कैपिटल, दिस इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच प्रोवाइड्स लेसर रिस्क टू द इन्वेस्टर कंपेयर टू दैट विच इज टेकन बाय द इक्विटी इन्वेस्टर्स। सो क्या होता है प्रेफरेंस कैपिटल? दिस इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच प्रोवाइड्स लेसर रिस्क टू द इन्वेस्टर कंपेयर टू दैट विच इज टेकन बाय द इक्विटी इन्वेस्टर्स। सो ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल होता है जो कम रिस्क बेयर करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। सो हम लोगों ने हमेशा देखा है कि अगर हम कंपैरिजन करें इक्विटी और प्रेफरेंस का, सो इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफरेंस होल्डर्स जो होते हैं उनका जो रिस्क है वो कम होता है और इसी वजह से उनका जो रिटर्न है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी होल्डर्स, राइट। सो ये हमारा वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जिसमें कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एज द नेम सजेस्ट, द होल्डर गेट्स अ प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एज वेल एज पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सो प्रेफरेंस कैपिटल का जो नाम है प्रेफरेंस कैपिटल, वो इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ चीजों में क्या है, प्रेफरेंस है, राइट। क्या प्रेफरेंस है? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, कि जब इन दोनों में से डिविडेंड मिलने की बात आएगी तो फर्स्ट नंबर पे डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग होता है तो फिर वो किसको मिलेगा, वो हमारे इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा, राइट। सो दैट इज वाई द नेम प्रेफरेंस कैपिटल इज यूज्ड, कि इनको क्या मिलती है, इनको प्रेफरेंस मिलती है। बट हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रेफरेंस इनको मिलती है ये ओनली ओवर इक्विटी मिलती है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि डिवेंचर्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो इनको ज्यादा बेनिफिट होता है, नहीं। इन लोगों को जो बेनिफिट है या जो प्रेफरेंस है वो उनको ओवर इक्विटी मिलती है बस, राइट। सो प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एज वेल एज पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सो इनको डिविडेंड सबसे पहले किससे? इक्विटी से। सो इनको डिविडेंड हमेशा इक्विटी से पहले मिलेगा, और जो पेमेंट है या जो हम जिसको प्रिंसिपल पेमेंट कहते हैं, सो वो भी उनको इक्विटी से पहले दी जाएगी, राइट। सो इट इज अ काजी रिस्क कैपिटल। काजी रिस्क कैपिटल मतलब इसमें जो रिस्क है वो इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं है, लेकिन डेट्स जितना ये नॉन रिस्की भी नहीं है, राइट। सो बिकॉज इट इज अ काजी रिस्क कैपिटल बिकॉज इट इज नॉट एज सेफ एज सिक्योर डेट्स विच गेट पेमेंट प्रायोरिटी ओवर प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सो व्हाट हैपेंस, इनको जो पेमेंट मिलती है, सो इनको जो भी इसको काजी रिस्क कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिक्योर डेट्स जितना सेफ भी नहीं है, सिक्योर भी नहीं है, लेकिन इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं है, राइट।
सो दैट इज वाई वी कॉल्ड इज एज काजीरिस कैपिटल. सो कितनी बारी क्वेश्चन पूछ लेते कि बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ काजीरिस्क कैपिटल. सो योर आंसर विल बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज दी काजीरिस्क कैपिटल, राइट. सो क्लियर है ये पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, जो हमारी शेयर कैपिटल होती है, टोटल कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. वन इज इक्विटी एंड अनदर इज प्रेफरेंस. सो जो इक्विटी है, इक्विटी वालों को हम क्या देते हैं? इक्विटी वालों को हम देते हैं ओनरशिप. ओनरशिप तो हालांकि जो जिनके पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, राइट. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी. बट द प्रॉब्लम इज प्रेफरेंस वालों को क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होता, तो इसलिए हम इक्विटी वालों को क्या बोलते हैं? ट्रू ओनर. ट्रू ओनर इसलिए क्योंकि ये ओनर्स की तरह मैक्सिमम रिस्क लेते हैं और जो इनको रिटर्न्स मिलते हैं वो भी फिर जो भी सरप्लस होता है उसमें इनको रिटर्न्स मिल जाते हैं, राइट. सो इक्विटी जनरल पब्लिक के लिए होता है इसीलिए उसका नाम है इक्विटी. एनी वन कैन परचेज दी शेयर्स और सब्सक्राइब दी शेयर्स. लेकिन जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो एक सिलेक्टेड क्लास के लिए होती है, क्लियर. सो हम इक्विटी को क्या देते हैं? इक्विटी को हम कहते हैं कि आपको हम वोटिंग राइट देंगे और आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा कि आप कंपनी के ओनर हैं, आपसे हर चीज के बारे में पूछा जाएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, राइट. लेकिन प्रेफरेंस में फिर क्या करते हैं? प्रेफरेंस में कहते हैं देखिए हम आपको वोटिंग राइट तो नहीं देंगे लेकिन हम आपको एक प्रेफरेंस दे देंगे. हम आपको एक प्रेफरेंस दे देंगे ओवर इक्विटी कि हम कोई भी पेमेंट करेंगे तो इक्विटी से पहले आपको करेंगे, उसके बाद फिर हम इक्विटी को देंगे अगर बच गया तो, राइट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस. सो एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. राइट. नेक्स्ट देखिए, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल? इट इज अ स्टॉक व्हिच इज प्रेफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स विद रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन. सो ये वो स्टॉक है, स्टॉक मतलब हम शेयर्स को ही स्टॉक बोलते हैं. इट इज अ स्टॉक विच इज प्रेफर्ड ओवर इक्विटी. ये वो स्टॉक है जिसको प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर्स के ऊपर विद रिगार्ड टू वॉट. किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? एक मिलती है डिविडेंड में, कि डिविडेंड पहले प्रेफरेंस कैपिटल को मिलेगा उसके बाद इक्विटी को मिलेगा, और रीपेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन और यू कैन से मेच्योरिटी, राइट. तो इनको क्या मिलेगा? जो इनकी जो पेमेंट है वो उनको मिल जाएगी, जो प्रिंसिपल पेमेंट है, और डिविडेंड इनको मिलेगा, और दोनों ही चीजें उनको बिफोर इक्विटी मिलेगी, राइट. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड जस्ट लाइक डिबेंचर्स. सो जो डिविडेंड है, डिविडेंड रेट जो है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो डिबेंचर्स की तरह ही फिक्स होता है. जैसे कि हमने कहा कि जो डिबेंचर्स है सपोज वो 8% है, और प्रेफरेंस कैपिटल का जो डिविडेंड है वो हमने बोला कि 12% है, राइट. हालांकि जो इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा होता है, राइट, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर, लेकिन फिक्स होता है जस्ट लाइक डिबेंचर्स. सो जैसे डिबेंचर में हम परसेंटेज फिक्स कर देते हैं, ऐसे ही प्रेफरेंस कैपिटल में भी जो परसेंटेज है डिविडेंड की वो पहले से ही फिक्स हो जाती है, जबकि इक्विटी में ऐसा कोई परसेंटेज फिक्स नहीं किया जाता, राइट. सो वी कैन से कि प्रेफरेंस में कुछ फीचर्स डिबेंचर के होते हैं, कुछ फीचर्स इक्विटी के होते हैं, राइट. सो डिविडेंड रेट जो है प्रेफरेंस शेयर्स का वो डिबेंचर्स की तरह ही फिक्स होता है. थर्ड पॉइंट देखिए, डिविडेंड पेड आउट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स. सो जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था
हमारे जो डिविडेंड है वो हमेशा टैक्स कटने के बाद दिया जाता है। तो अब हम चाहे डिविडेंड, जैसे हमने वहां पर एक एग्जाम्पल देखा था, जब हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनका इंटरेस्ट 100 रुपीज था, तो हमारा जो टैक्स है वो आ रहा था 200 था, तो हमारा टैक्स आ रहा था 150। जब हमने डिबेंचर के इंटरेस्ट को बढ़ाया तो हमारा टैक्स हो गया 100, राइट। तो डिबेंचर्स को बढ़ाने से, डेट्स को बढ़ाने से हमारा जो टैक्स है वो कम हो गया, राइट। उसका रीजन ये है क्योंकि इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो टैक्स से पहले की जाती है, तो इसका मतलब जितना पेमेंट करेंगे उतना ही आपका टैक्स कम होगा। लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड हमेशा नेट प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं, मतलब आफ्टर टैक्स बांटे जाते हैं, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं। सो दैट इज वाई चाहे हम डिविडेंड कितना भी दें, कम दें या ज्यादा दें, कंपनी को एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता है टैक्स के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो क्लियर है ये पॉइंट्स? अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सो ये पॉइंट्स क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड में और रीपेमेंट में ओवर इक्विटी। प्रेफरेंस में डिविडेंड की तरह ही जो रेट है वो फिक्स होता है, राइट। डिविडेंड जो है वो हमेशा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट दिया जाता है, मतलब टैक्स लगने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचता है उसमें से दिया जाता है, राइट। चलिए सो देखिए, हम लोगों की डेली फ्री लाइव क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए, प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और अपना जो भी बेनिफिट आप यहाँ से डराइव कर सकते हैं। इसमें हमारी कुछ सीरीज चल रही है, लाइक कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चन भी। हमारी जो करंट क्लास है वो इसी सीरीज में है। उसके अलावा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस चल रही है। ये सब क्लासेस का बेनिफिट आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डिविडेंड। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है मैम ने कि डिविडेंड और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, राइट। देखिए जैसे आप लोग पब्लिक को लोन देते हैं, राइट, बैंक्स लोन देते हैं, तो इस लोन देने के बदले में बैंक्स हमसे क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट, राइट। ऐसे ही जो डिबेंचर्स हैं या हमारी जो भी अदर जो बोरोइंग्स हैं वो सब क्या चार्ज करते हैं? वो लेते हैं ब्याज, वो अपना पैसा हमें देते हैं और फिर उसके बदले वो हमसे क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं, और उसका जो रेट है वो क्या होता है? वो फिक्स होता है, राइट। जैसे हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें परसेंटेज फिक्स होता है। जिस तरह से लोन्स हमने लिए और उसके बदले हम इंटरेस्ट देते हैं या ब्याज पे करते हैं, ऐसे ही जब हम इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में हम शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, तो उनके बदले सपोज मिस्टर एक्स ने हमारी कंपनी की इक्विटी शेयर्स खरीदी, राइट। तो अब जो उन्होंने हमारी इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं उसके बदले वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो वो जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या कंपनी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट या जो ब्याज देती है उसका नाम होता है डिविडेंड। इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश, क्योंकि ये ब्याज नहीं होता। ब्याज किसको मिलता है? ब्याज मिलता है जो लोन दे रहा है, राइट। जैसे बैंकर है, सो बैंक या बैंक कंपनी को लोन दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तो उसको बदले में ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये लोग क्या है? ये लोग कंपनी के ओनर हैं, तो अगर ओनर्स को हम कोई चीज देंगे तो क्या देंगे? लाभांश ही तो देंगे, प्रॉफिट का पार्ट ही तो देंगे। सो दैट प्रॉफिट पार्ट इज कॉल्ड डिविडेंड, क्लियर। सो इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, वो शेयर्स जो कि किसी भी जनरल पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं,
और डिविडेंड वो पेमेंट जो बदले में मिलती है शेयर्स के बदले में। तो जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ होता है, सो जो उनको बदले में जो रिटर्न्स मिलते हैं उनको कहते हैं डिविडेंड। और इनको ब्याज क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये लेंडर नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये कंपनी के ओनर्स होते हैं, राइट? सो अभी क्लियर है? चल नाउ व्हाई कंपनीज रेज प्रेफरेंस कैपिटल। अभी हम लोगों ने प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में सब चीजें डिस्कस की। सो नाउ व्हाट क्यों जरूरी है प्रेफरेंस कैपिटल से फंड रेज करना? सो देयर आर सम रीजंस। नंबर वन, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फंड्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड अप टू 20 ईयर्स, राइट? देखिए पहले क्या होता था ना, पहले हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं आप उनको कितने भी टाइम पीरियड के लिए आप इशू कर सकते थे। मतलब पहले एज सच कुछ मेच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं था, राइट? वो फिक्स नहीं था तो कितने भी टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता था। लेकिन अब जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसमें ये चीज को फिक्स कर दिया है एज पर सेक्शन 55 कि ये जो हमारा पूरा जो टाइम पीरियड है प्रेफरेंस शेयर्स का वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 ईयर्स हो सकता है, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, लेकिन 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। ओनली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अगर इंफ्रा कंपनीज हैं, कोई भी ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम कर रही है, सो उनको थोड़ा सा आप कह लीजिए रिलैक्सेशन है कि वो थोड़ा 20 ईयर्स से ज्यादा में के लिए कर सकते हैं, राइट? तो क्या होता है, ये एक गुड सोर्स होता है लंबे समय के लिए अगर हमें लोन चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक एक होम लोन को अगर हम हटा दें तो बाकी किसी भी केस में इतना इतने लॉन्ग पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है, राइट? वी ऑल नो दिस। सो दैट इज वाई इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कैपिटल कि हम 20-30 सालों के लिए, हम क्योंकि नॉर्मल केस में तो खैर 20 ईयर्स है, सो हम लोग 20 सालों के लिए हम फंड रेज कर सकते हैं। तो इस लॉन्ग पीरियड के लिए हमें प्रेफरेंस कैपिटल से फंड इजिली मिल जाता है। और अगर इंफ्रा कंपनीज हैं तो फिर तो 20 ईयर से ज्यादा का भी मिल जाएगा, राइट? सो पहला कारण तो ये है कि प्रेफरेंस कैपिटल से हमें क्या मिल जाता है, लंबे समय के लिए हमें एक सोर्स ऑफ फंड मिल जाता है जिसका पैसा हमें बहुत जल्दी नहीं चुकाना है, राइट? सेकेंड पॉइंट, मोस्टली सच सिक्योरिटीज आर प्राइवेटली प्लेस्ड एंड हैंस दी कॉस्ट ऑफ रेजिंग सच फंड इज नॉट हाई। देर इज नो कंपल्शन, इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझते हैं। सो ये जो सिक्योरिटीज हैं, मतलब जो प्रेफरेंस कैपिटल है उसको जनरली प्राइवेटली प्लेस किया जाता है। प्राइवेटली प्लेस करने का मतलब होता है कि उस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर जनरल पब्लिक के लिए तो होता नहीं है, राइट? वो एक स्पेसिफाइड कुछ पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लिए होता है कि सपोज कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या एम्प्लॉयज या कुछ आप कह लीजिए कि कुछ प्रेफर्ड लोगों को दिए जाते हैं ये शेयर्स। तो क्योंकि ये शेयर्स हमें प्राइवेटली प्लेस करने हैं, प्राइवेटली इन शेयर्स को हमें बेचना है, तो हमें प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है वो हमारी नहीं आती है। थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस आते होंगे बट इक्विटी के जितना हमारा खर्चा नहीं आता इनको इश्यू करने में, राइट? सो दिस पॉइंट इज क्लियर? कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो कंपल्शन टू पे डिविडेंड। सो आपके ऊपर इक्विटी की तरह ही कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आपको उनको डिविडेंड देना ही देना है, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एनी हाउ आपको डिविडेंड पे करना ही है। देयर इज नो कंपल्शन टू पे डिविडेंड, राइट? जैसे कि डिबेंचर्स के केस में या फिर बैंक लोन के केस में क्या है, ब्याज को पे करना आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी कंपनी की। चाहे आपकी कंपनी कहीं से कर्जा लेकर आपका ब्याज दे, बट कंपनी की ये लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर्स और बैंकर्स कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं, मतलब उसको कंपनी को बैंक्रप्सी के लिए फोर्स कर सकते हैं, राइट? लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो आप देखिए कि कोई कंपल्शन भी नहीं है फिर डिविडेंड का। हाँ, अगर वो क्यूमुलेटिव है
तो ये है कि आपको उनको बाद में देना पड़ेगा, बट एटलीस्ट फॉर द ईयर जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एनी हाउ देना ही देना है, राइट? और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के केस में भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा. क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, द रेकरिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड. सो जो कॉस्ट है कि भाई हम इनको डिविडेंड हमें कितना देना, वो फिक्स होता है, तो वो बिफोर हैंड कंपनी को पता होता है, राइट? जैसे कि इक्विटी शेयर्स का नहीं पता होता. इक्विटी शेयर का डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना हो, उसके बेसिस पे हम उनके जो डिविडेंड है वो फिक्स करते हैं. लेकिन प्रेफरेंस का पहले से ही हमें पता होता है, तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, या आप कह लीजिए हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाउ मच वी हैव टू पे एज डिविडेंड, राइट? सो दीज आर दी बेनिफिट्स ड्यू टू विच वी रेज फंड्स थ्रू दी प्रेफरेंस कैपिटल. सो अगर आपका कोई भी डाउट है इन पॉइंट्स में, तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर लाइक कि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, राइट? इफ देयर इज एनी डाउट, सो प्लीज आस्क. पॉइंट नंबर टू, ठीक है मैम, पॉइंट नंबर टू एक बार देख लीजिए. देखिए पॉइंट नंबर टू में दो बातें हैं. पहला पॉइंट ये है कि ये जो हमारी प्रेफरेंस कैपिटल है, इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ इशू, या फिर आप कह लीजिए रेजिंग फंड, हमारा नहीं आता है. कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे अगर हम बैंक से लोन भी लेते हैं, तो उसमें भी प्रोसेसिंग फीस और थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, राइट? सो उस कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि हम, क्योंकि अगर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं ना, तो उस केस में हम लोगों को एडवर्टीजमेंट करना होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. सो उसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है, ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग, ये सब चीजों में भी बहुत हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, राइट? सो इस तरह की प्रॉब्लम्स या इस तरह के जो खर्चे हैं, वो प्रेफरेंस कैपिटल के केस में नहीं होते. क्यों? क्योंकि ये हमें पब्लिक को देना ही नहीं है, राइट? सेबी जो है, सेबी कब मैंडेटरी करता है किसी भी चीज को? सेबी कहता है कि जैसे ही कोई भी पब्लिक की बात आएगी, इन्वेस्टर्स की बात आएगी, तो फिर वो इंटरवीन करते हैं, राइट? अगर लेकिन आप कोई भी चीज जो है वो अपने उसमें कर रहे हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके लिए कोई ऐसा गाइडलाइंस भी नहीं है. एज इन केस ऑफ इक्विटी, कोई भी कंपनी अगर इशू इक्विटी शेयर्स इशू करती है, तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी आप कह लीजिए बाउंडेशंस और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ऐसा नहीं है, तो खर्चा भी कम होता है. क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि जो इनको हमें डिविडेंड देना है, मैंने आपको बताया था कि इनको जो रिटर्न्स मिलते हैं, उन रिटर्न्स का जो नाम है वो क्या है? वो है हमारा डिविडेंड. सो हम इनको जो रिटर्न्स देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, इनको जो हम रिटर्न्स देते हैं, वो रिटर्न्स देना कोई कंपल्सरी नहीं है. मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हम इनको डिविडेंड देंगे, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इनको डिविडेंड नहीं देंगे. क्लियर? प्राइवेटली प्लेस्ड का मतलब होता है मैम कि जब हम किसी भी चीज को एक जनरल वे में नहीं दे रहे हैं, हमने कहा है कि भाई ये हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं और ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये हमने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है, सपोज उसमें हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के ओनर्स हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स हो सकते हैं, या कोई और एनी अदर रिलेटिव और समथिंग. सो जब एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी को हम शेयर इशू करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेटली प्लेस्ड, राइट? चलिए
सो एक बार क्लियर कंफर्म कर दीजिए कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर है. स्टिल कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. अब अगर फायदे हैं तो फिर कुछ नुकसान भी होंगे. क्या क्या नुकसान है? पहला ड्रॉबैक है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंटरफेरेंस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड मोर देन 2 इयर्स. अब इस बात का मतलब समझने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए. वो पॉइंट ये है, इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 इयर्स और मोर, देन कंपनी हैज टू गिव देम वोटिंग राइट, राइट? सो अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया 2 साल या उससे ज्यादा, तो उस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग राइट देना पड़ेगा. देखिए नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, राइट? लेकिन अगर उनका डिविडेंड पे नहीं हुआ 2 साल या उससे ज्यादा, तो क्या होगा? तो फिर कंपनी को उनको वोटिंग राइट देना पड़ेगा तब तक जब तक कि उनका डिविडेंड पे नहीं होगा. क्लियर? सो ये एक ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस हो सकता है. कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब इनके पास वोटिंग राइट होगा. और वोटिंग राइट कब होगा? जब आप इनका जो डिविडेंड है वो 2 साल या उससे ज्यादा में अगर आपने पे नहीं किया, तो यू हैव टू गिव देम वोटिंग राइट एज इक्विटी, राइट? सो दिस पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट देखिए. सेकेंड पॉइंट इज डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर व्हिच इंक्रीजेस द रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग. सो एज इन केस ऑफ इक्विटी हमने पढ़ा है कि जो डिविडेंड है ना वो आफ्टर टैक्स पे किया जाता है. तो उससे हमें क्या होता है? उससे हमें नुकसान होता है क्योंकि हमने टैक्स, अब हम एक तरह से ये जो खर्चा कर रहे हैं भाई कंपनी के लिए तो खर्चा ही हुआ ना. कंपनी अगर अपना जो प्रॉफिट है उसको किसी के साथ बांट रही है तो कंपनी के लिए तो वो एक्सपेंस ही हुआ. लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस है जिसमें से कि कंपनी का टैक्स डिडक्टेबिलिटी कंपनी को नहीं मिलेगी, राइट? सो कहीं ना कहीं ये एक क्या होता है, कंपनी के माइंड में आता है कि अगर डिबेंचर इशू करते तो हमें टैक्स में भी बेनिफिट होता, लेकिन इसको हम डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो ये एक ड्रॉबैक बन जाता है शेयर्स का, इक्विटी का भी और प्रेफरेंस का भी. क्लियर, राइट? थर्ड पॉइंट देखिए. रिडम्पशन रिजर्व्स आर टू बी क्रिएटेड लीडिंग टू लो रिटर्न रिटेन अर्निंग्स. सो अब क्या होता है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया है तो फिर आपको उनको रीपे भी करना है, भले ही आफ्टर 20 इयर्स करना है लेकिन रीपे तो करना है. तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए फिर रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं जिसको हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं, CRR. तो जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है वो कहाँ से बनाया जाता है? वो आउट ऑफ प्रॉफिट से ही तो बनेगा, राइट? वो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है. तो उससे कंपनी की जो रिटेन अर्निंग्स है या कंपनी की जो बचत है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. और इक्विटी शेयर्स में हमें ऐसा कुछ करना नहीं होता, राइट? क्लियर? फोर्थ पॉइंट, अगर कंपनी बंद होती है इन केस ऑफ लिक्विडेशन,
दीज शेयर होल्डर्स गेट प्रायर चार्ज ओवर द रेजिड्यूअल एसेट्स कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो क्या होता है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर कंपनी बंद होती है तो इन शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी से पहले, कि भाई जो भी एसेट्स बेच के पैसा आएगा, सारे जो भी लोन्स वगैरह उनको चुकाने के बाद, डिबेंचर्स को पेमेंट करने के बाद जो भी सरप्लस बचेगा उसमें पहला जो हिस्सा मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा प्रेफरेंस को। तो ये भी इक्विटी वालों के लिए थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। सो दीज आर दी नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो आपको हर चीज पता होनी चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव सारे पता होंगे तभी तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड अच्छा है। सो एक बार इसमें देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कर दीजिए कंफर्म, अगर क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट में अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सो देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी जो प्रेपरेशन कर रहे हैं सीआईबी की, अगर आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, सो फॉर दैट आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडीज को प्रैक्टिस करना, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ इतना, सो उसके लिए आप हमारा जो केस स्टडीज कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल एट आर ऐप एंड ऑन आर वेबसाइट। सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप एंड वेबसाइट टू अवेल दीज कोर्सेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड ऑल दीज आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस बट एट अ बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट। सो काइंडली विजिट एंड अवेल दी ऑप्शन विच इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू एंड प्रिपेयर फॉर योर साइबी एग्जाम्स विद अस। चलिए, सो कोई डाउट नहीं है। राइट, चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आपको अभी अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लास को अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लगा है उसको लाइक और डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल रही है आप लोगों के लिए और औरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, सो काइंडली शेयर इट विद योर सोशल ग्रुप्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन ऑफ आवर क्लासेस विच आर रनिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कॉन्टिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी कोई डाउट नहीं है ना, सो काइंडली रिवाइज इट एंड इफ यू फेस एनी डाउट और एनी टाइप ऑफ क्वेरी सो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास।